हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शशि लोधी ब्लॉग्स में। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल हैं और हर लेडीज के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इतनी एक्सरसाइज आपने कर ली तो समझ लो कि अपनी बॉडी को बहुत ही आराम से आप फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, इस तरह से सीधे हैंड करके इस तरह से फोल्ड करना है। और जैसे ही हम हैंड फोल्ड करते हैं उसी टाइम पर हमें पैर को ना पीछे की साइड मोड़ना है, मतलब ऊपर नहीं उठाना है, बस घुटने से पीछे की साइड में आपको पैर को मोड़ना है। और इस तरह से आप कम से कम 30 से 35 बार करिए। स्टार्टिंग में ये तो सिंपल है, इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में आप 30 से 35 तक बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से हमारी जो आर्म है ना उसका फैट बहुत ही आसानी से कम हो जाता है, बहुत ही अच्छे से छट जाता है। आप जब भी ये एक्सरसाइज करेंगे तब आपको फील खुद ही होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं है, इसमें भी ना बहुत पेन होता है आर्म में, तो ये आपको खुद ही जब करेंगे जब मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह से आपको पैरों को पास में करके रखना है, दूर नहीं करना है, पैरों को एकदम से पास करिए और इस तरह से ऊपर नीचे हैंड, मतलब हैंड से हैंड से टच करना है पैरों को। ओके, तो इस तरह से आप ये भी 30 से 35 बार करिए। और पैरों को क्या करना है, आपको घुटने से मोड़ना नहीं है, एकदम से सीधे पैर होना चाहिए जब ये आपको करना है। अगर घुटने से मोड़ेंगे आप पैरों को तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, सीधे पैर करके करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये इफ़ेक्ट करेगी। और ये थाई के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी आर्म के लिए है, आर्म्स के लिए है, इससे भी जो आपकी आर्म्स काफ़ी मोटी हो जाती हैं, काफ़ी चर्बी चढ़ जाती है, तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव करती है। आपको ये भी 30 से 35 बार करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हैंड सीधे करना है। ओके, इस तरह से करिए और यहाँ तक आपकी 1 काउंट होगी, तो इस तरह से आपको 30 से 35 तक करना है। और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं ये, इनसे क्या होगा, आपको 15 दिन में ही बहुत अच्छे से फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, आपकी जो चर्बी है, फैट है, बहुत अच्छे से कम होने लगेगा और जो वज़न होगा ना वो भी आपका कम होने लगेगा। 15 दिन आप मान के चलिए, 15 दिन में आप एक बार वेट कर लीजिए पहले ही स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करने से पहले, और फिर 15 डेज बाद वेट करिए तो आपको खुद फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पर मेरी बेटी भी थी तो इसको भी चढ़ाता शौक, मुझे भी करना है, तो बस साथ में वो कर रही है। और इस तरह से आपको करना है ये एक्सरसाइज, आपके जो लेग्स होते हैं लेग के लिए और कमर जो टमी फैट होता है इन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो थाई पे चर्बी होती है और टमी पे चर्बी होती है वो बहुत ही अच्छे से ये एक्सरसाइज कम कर देती है इसको। और ये इतना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप साड़ी वगैरह पहनते हैं तो उसमें भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इससे मतलब कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई थी जो साड़ी में करनी थी, इसके पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें सारी साड़ी वाली एक्सरसाइज हैं, साड़ी पहनकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो वोमेन सूट वगैरह नहीं पहनती, जीन्स नहीं पहनती, इस तरह के मतलब कपड़े नहीं पहनती, जो साड़ी रहती हैं वो बहुत आराम से उन एक्सरसाइज को कर सकती हैं। तो उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, लेट कर करना है आपको, इस तरह से पैर को सीधा करना है और फोल्ड करना है। इससे आपकी जो थाई की चर्बी होती है और थाई से जो घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना उस पर चर्बी चढ़ी हुई होती है,
वो बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है इन एक्सरसाइज में कि ये ना आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह को टाइम क्या होता है ना, सुबह भाग दौड़ में ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती हैं। अब तो स्कूल भी चालू हो गए हैं बच्चों के, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। तो इन्हें आप जब भी टाइम आपको मिले, दोपहर में टाइम मिले या फिर शाम को टाइम मिले या फिर सोते समय आपको 10 से 15 मिनट पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से फ़र्क मालूम पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, जब भी आप एक्सरसाइज करें उस टाइम पर आपको आपका जो पेट है ना थोड़ा खाली होना चाहिए, मतलब खाली पेट ये एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छे से आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। और डाइट में भी आपको कुछ नहीं करना है, डाइट जैसी आपकी चल रही है, जैसा खाना खाते हैं वही खाना खाइए, उसी के चलते आपका वज़न कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरह से करना है, आपको उल्टे लेट जाना है और थोड़ा सा जो कंधे हैं ना थोड़ा सा हाथों की जिस तरह से मैं करे हूँ ना उस तरह से थोड़ा सा उठा के रखना है कंधों को, और पैरों को इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये, इस तरह से आपको हाथों को सीधे रख लेना है और फोल्ड, थोड़े से फोल्ड करके घुटनों को इस तरह से आपको कमर के यहाँ से थोड़ा सा करना है। तो इससे जो कमर की पर चर्बी चढ़ी होती है, टमी फैट होता है, बहुत अच्छे से निकल जाता है। और यकीन मानेंगे आप, बहुत अच्छे से इन एक्सरसाइज के बाद आपका फैट गायब हो जाएगा और वेट भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं या कौन सी करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू गाइस।